शंकरगढ़ थाना में पीस कमेटी की बैठक संपन्न। उप जिलाधिकारी सुभाष यादव ने आपसी सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। थाना परिसर में उप जिलाधिकारी बारा की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में होली व बारा वफात त्यौहार को आपसी सौहार्द बनाए रखते हुए मनाने की अपील की गई। बैठक में उप जिलाधिकारी बारा सुभाष यादव ने लोगों से अवैध शराब पर रोकथाम के लिए कहा कि यदि किसी गांव में कच्ची शराब बन व बिक रही हो तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे। नगर में पेयजल हेतु बिछाए जा रहे पाइपलाइन के कार्य में अनियमितता की शिकायत पर तत्काल कार्य रोके जाने तथा मानक के अनुरूप कार्य न कराए जाने पर खुदाई कर पुनः पाइप डाले जाने का निर्देश नगर पंचायत को दिया। व्यापारियों से कहा कि सड़क के किनारे पटरी पर किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटाएं। चिकान टोला लाइन पार व डूडा कॉलोनी में अवैध रूप से मांस की बिक्री को रोके जाने का निर्देश थाना अध्यक्ष को दिया। क्षेत्र अधिकारी बारा अवधेश शुक्ला ने कहा कि लोग होली पर लोग जबरन किसी को रंग ना लगाएं, नहीं तो कठोर कार्यवाही की जाएगी। थाना अध्यक्ष कुलदीप तिवारी ने सभी क्षेत्रवासियों से पंचायत चुनाव को देखते हुए लाइसेंसी बंदूक जमा करने को कहा। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए प्रयागराज से हेड कोऑर्डिनेटर विनय कुमार साहू की खास रिपोर्ट।